नमस्कार दोस्तों काफी लंबे समय के बाद एक अपडेट आया है एमपीएसआई की वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आज के नई दुनिया में भी आप इसको पढ़ सकते हैं जागरण भोपाल में भी आप पढ़ सकते हैं तो अलग अलग न्यूज में इसको लेकर खबरें आई हैं क्या कहा गया है वो आपको जल्दी से बता देता हूं जैसे अगर नई दुनिया की ही बात करें तो इन्होंने एकदम शॉर्ट में यहां आप बताया कि अगले वर्ष मिलेंगे मध्य प्रदेश पुलिस को पांच सौ तो इसका इस न्यूज में इनका कहना यह है कि अभी आपको पता है कि जो लास्ट ईयर का हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल पेंडिंग है उसका शेड्यूल आ चुका है तो और चाहे कांस्टेबल की एग्जाम हो या एमपीएसआई की जो एग्जाम होगी इस बार पुलिस विभाग खुद ही लेगा और चेंजेस भी कुछ होने वाले हैं तो इनका यह कहना है कि जो पुलिस आरक्षक का जो फिजिकल है वो भी पुलिस विभाग को लेना है उसके बाद फिर की भी सितंबर अक्टूबर में तो तो नवंबर दिसंबर के आसपास उम्मीद है कि इसको लेकर वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और पूरी प्रक्रिया होते हुए कंप्लीट करते हुए और ज्वाइनिंग तक 2025 यानी अगला साल जो है आ जाएगा ये सारी बातें इन्होंने यहां पर कही है और एक और जो सबसे बड़े सवाल आपके मन में है उनमें से पहला ये कि क्या पैटर्न में या किसी प्रकार से कोई चेंजेस आएंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि एग्जाम के पैटर्न मार्किंग स्कीम में कोई चेंज आ सकता है सब्जेक्ट्स के मार्किंग में किसी प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं बाकी कोई बहुत नए विषय एकदम से बहुत बड़ा बदलाव आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं होगा सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा जो कांस्टेबल के एग्जाम में भी हुआ था और वो है फिजिकल के भी मार्क्स एमपीएसआई में भी पूरी उम्मीद है कि रिटर्न एग्जाम और फिजिकल के 50 50 मार्क्स होंगे यानी फिजिकल पहला तो क्वालिफाइंग नहीं होगा मार्क्स उसके जुड़ेंगे और जहां तक फिफ्टी फिफ्टी परसेंट उसकी संभावना है और अभी तक नियम बन ही रहे हैं काफी समय से नियम बन रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद फाइनलाइजेशन की स्थिति में वो है कि सारे नियम तैयार हो जाए तो यही अपडेट है नवंबर दिसंबर में उम्मीद की जा सकती है कि एमपीएसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिले यानी कांस्टेबल की जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो उसके बाद एमपीएसआई से रिलेटेड आपको अपडेट या नोटिफिकेशन मिल सकता है यही सारी बातें इसमें कही गई हैं बाकी आपका क्या सोचना है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा फिलहाल यही अपडेट है और कुछ नई इंफॉर्मेशन आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा थैंक यू जय हिंद